तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें कानपुर की हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत किया जा रहा है, फूल देकर के उनका स्वागत किया जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें कानपुर की हैं। आज नमामि गंगे प्रोजेक्ट की प्रगति और उसका जायजा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानपुर के दौरे पर हैं और राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक में शिरकत करने आ रहे प्रधानमंत्री मोदी आज लगभग 4.25 घंटे शहर में रहेंगे। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर भव्य स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज किया जा रहा है। तो स्वागत यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया जा रहा है। सीएसए कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में सुबह 11 बजे से होने वाली परिषद की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। बैठक में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार के मुख्यमंत्री और केंद्र और राज्य के दर्जन भर मंत्री शामिल होने वाले हैं। और गुरुवार देर रात प्रशासन ने प्रधानमंत्री के कानपुर दौरे का कार्यक्रम जारी किया था। शनिवार सुबह लगभग 10:30 बजे प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। एयरपोर्ट से तस्वीरें हैं जहां पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया जा रहा है। तो कानपुर की ये तस्वीरें हैं जहां पर आज नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत प्रोजेक्ट की प्रगति का जायजा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कानपुर पहुंच चुके हैं। तो आपको बता दें कि बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैराज स्थित अटल घाट से सीसामऊ तक गंगा का निरीक्षण भी करेंगे और साथ ही सीसामऊ नाले पर बने सेल्फी पॉइंट पर सेल्फी भी ले सकते हैं प्रधानमंत्री। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें भारत समाचार अब तक पहुंचा रहा है। तो तस्वीरें कानपुर से हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत किया जा रहा है, तमाम मंत्री यहां पर मौजूद हैं। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आगमन से उनकी पहले ही सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अवनीश हमारे साथ हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। अवनीश, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट पर आ चुके हैं और वहां से कुछ देर बाद ही वो सीएसए आएंगे हेलीकॉप्टर से और इसके बाद यहां पर बैठक शुरू करेंगे और बैठक होने के बाद अटल घाट जाएंगे। प्रधानमंत्री स्वागत के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद है, साथ साथ और भी जो प्रदेश सरकार के मंत्री वो मौजूद है और जो अधिकारी है वो वहां पर मौजूद है। प्रधानमंत्री की अगवानी करने के स्वयं मुख्यमंत्री आए थे और इसके अलावा जो और भी अतिथि आ रहे हैं उनकी भी अगवानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ही कर रहे हैं। जी, कौन कौन से कार्यक्रम प्रस्तावित हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के? अवनीश, देखिए, वहां जब सीएसए आएंगे यहाँ पे नेशनल गंगा काउंसिल की जो पहली बैठक हो रही है उसकी अध्यक्षता स्वयं प्रधानमंत्री कर रहे हैं। उस बैठक को संबोधित करेंगे और उस बैठक के बाद वो यहाँ पर जो एक प्रदर्शनी लगाई गई कई विभागों की उसका अवलोकन करेंगे और उसके बाद गंगा की साफ सफाई और जो विस्तार की योजना है उस पर एक कार्य योजना तैयार करेंगे। साथ ही साथ छोटे राज्यों में जो गंगा जुड़ी नदियां हैं उनको भी एक एक गंगा नदी जोड़ने का एक एक्शन प्लान है उस पर भी काम किया जाए, क्योंकि उन छोटी नदियों में गंदगी उन गंदगियों को साफ करने की एक कार्य योजना तैयार की जाएगी। इसके अलावा जो साथ ही साथ यहाँ से अटल घाट जाएंगे जहाँ पर गंगा पूजन करेंगे और साथ ही सीसामऊ नाले पर जाएंगे जो सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। 128 वर्ष पुराना नाला है वो और उसको टेप कर दिया, सबसे गंदगी उसी सीवेज ट्रीटमेंट उसी से गंगा में जा रहा था, उसको बंद करके एक ऐतिहासिक काम उत्तर प्रदेश सरकार ने और प्रदेश और केंद्र सरकार ने किया। वहां पर खड़े सेल्फी लेंगे और बीच गंगा में मोटर बोट पर वो बैठक भी कर सकते राज्यों के मंत्री आए उत्तर प्रदेश के, उत्तराखंड के और बिहार में उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी के साथ में। जी अवनीश, आपसे जानना चाहेंगे, प्रधानमंत्री का एक महत्वपूर्ण दौरा है, सुरक्षा के लिहाज से अगर देखा जाए तो क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? देखिए, जो सुरक्षा की बात की है प्रधानमंत्री की तो उनके साथ एक सुरक्षा का घेरा तो चलता ही चलता है। इसके अलावा जिला प्रशासन ने प्रदेश स्तर पर जो अधिकारी तैनात है लगभग 12 IPS अधिकारी हैं और लगभग 3,500 के लगभग पुलिसकर्मी और अधिकारी जिनमें QRT से लेकर सिविल पुलिस से लेकर के पैरामिलिट्री फोर्सेस सबको तैनात किया है। और प्रधानमंत्री के आगमन जो जिन जिन रूट से प्रधानमंत्री गुजरेंगे वो चाहे जल मार्ग हो चाहे वायु मार्ग हो चाहे सड़क मार्ग हो सब पे पुलिस फोर्स तैनात कर दी है और अधिकारी तैनात कर दिए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो डायवर्जन कर दिया गया पूरे शहर में और आज प्रधानमंत्री का आगमन चलते सभी स्कूल जिले के बंद कर दिए गए हैं। जी अवनीश, यहाँ पर अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नमामि गंगे परियोजना को लेकर के क्या कुछ घोषणाएं भी आज कर सकते हैं? जी, निश्चित रूप से घोषणा कर सकते हैं। जो 22,000 करोड़ रुपए की जो योजना है जिसमें छोटी नदियों को गंगा से जोड़ने का जो प्लान है और उनकी साफ सफाई की बात है उस पर एक बड़ी घोषणा कर सकते हैं। साथ ही साथ कानपुर के लोगों को गंगा के अलावा कई ऐसे प्रोजेक्ट है जिनको शायद मिलने से गंगा नदी साफ होगी। चलिए अवनीश, आप नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे।